एरिया वाइज मणिपुर से भी छोटा और पॉपुलेशन उत्तराखंड से भी कम है। इसके बावजूद ये देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश, पड़ोसियों के साथ रिश्ता ऐसा कि सभी पड़ोसी देश गिद्ध बनकर इसे नोचने के लिए बैठे हैं। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि वो इस देश की ओर आंख उठाकर भी देख ले। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये देश इतना विकसित कर चुका है कि पूरी दुनिया इस देश को सलाम करती है। हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में स्थित देश इजराइल की। 1948 में दुनिया के नक्शे पर आया ये देश काफी कम समय में इतनी सारी उपलब्धियां हासिल कर चुका है कि दुनिया के बाकी देश इससे सीखने को मजबूर हैं। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में इस देश के सफर पर चलते हैं और जानते हैं इस देश के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प फैक्ट्स जिससे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इजराइल यहूदियों का देश है, लेकिन यहाँ मुसलमान भी काफी संख्या में रहते हैं। यहाँ की कुल आबादी लगभग 93 लाख है, जिसमें 74.2% यहूदी, 17.8% मुसलमान और 2% क्रिश्चियन है। सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों की लिस्ट में यह देश 99वें स्थान पर है। इजराइल का कुल क्षेत्रफल 20,270 स्क्वायर किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दुनिया का 150वां सबसे बड़ा देश है। इस देश की सीमा मेडिटेरियन सी और रेड सी से मिलती है। वहीं इस देश की जमीनी सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट और पैलेस्टाइन से मिलती है। इजराइल की नॉमिनल GDP 410.501 बिलियन डॉलर है, जो कि दुनिया की 31वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इजराइल एक विकसित देश है। पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबसे बेहतर है। इजराइल के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 82.6 साल है, जो कि पूरी दुनिया में 10वें स्थान पर है। वहीं इस देश का साक्षरता दर 91.75% है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये देश इतना छोटा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आप इस देश में पैदल चलते हुए पूरब से पश्चिम की ओर मात्र 2 घंटे में जा सकते हैं। वहीं 9 दिनों में आप इस देश में उत्तर से दक्षिण का भी सफर कर सकते हैं। पूरी दुनिया में पर कैपिटा के हिसाब से इस देश में सबसे ज्यादा म्यूजियम है। यही वजह है कि इसे म्यूजियम का देश भी कहा जाता है। फिलहाल इस देश में लगभग 230 म्यूजियम है। इजराइल दुनिया के उन 3 देशों में शामिल है जिसके पास कोई लिखित संविधान नहीं है। 2 और देश ब्रिटेन और न्यूजीलैंड है। इजराइल का संविधान स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। यदि आप इजराइल जाते हैं तो आपको इस देश में रेड मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट्स के साथ ही ब्लू मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट्स भी दिखेगा। रेड मैकडोनल्ड में रेगुलर मेन्यू सर्व किया जाता है, जबकि ब्लू मैकडोनल्ड में केवल कोशेर मेन्यू ही सर्व किया जाता है। यहूदी धर्म के अनुसार तैयार किए गए भोजन को कोशेर कहते हैं। जैसे इस्लाम धर्म में हलाल चीजें होती हैं, वैसे ही यहूदी धर्म में कोशेर होता है। पूरे इजराइल में लगभग 40 कोशेर मैकडोनल्ड्स है। जनवरी 2017 में इजराइल के एक चिड़ियाघर से एक बंदर निकलकर लेबनान चला गया। इस बंदर को वापस पाने के लिए इजराइल को संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र की दखलअंदाजी के बाद लेबनान ने ये बंदर इजराइल को वापस कर दिया। मोटोरोला द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे पहला ओरिजिनल सेलफोन इजराइल में ही विकसित किया गया था। आज भी हमारे मोबाइल में मौजूद माइक्रोचिप्स और वॉइसमेल जैसी कई सारी टेक्नोलॉजी इजराइल की ही देन है। इसी बात पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों, आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। इजराइल और मुस्लिम देशों की दुश्मनी तो जग जाहिर है। कुछ मुस्लिम देश ऐसे हैं जो इजराइल जाने वाले पर्यटकों को अपने देश आने की इजाजत नहीं देते। पर्यटकों को इस समस्या से बचाने के लिए इजराइल अपने यहाँ आने वाले पर्यटकों के पासपोर्ट में स्टैंप लगाने के बजाय पर्यटकों को एक पास कार्ड देता है। इस देश से वापस जाते समय पर्यटकों को ये पास कार्ड अधिकारियों को लौटाना होता है। 2005 में इजराइल ने विलुप्त हो चुके जोडियन प्रजाति के खजूर को फिर से उगाने में सफलता हासिल की। 1963 में आर्कियोलॉजिस्ट्स को इस खजूर के कुछ बीज मिले थे जो कि 2000 साल पुराने थे। 2000 साल पुराने बीज से पौधे उगाकर इजराइल ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। बर्थ राइट इजराइल एक नॉन फॉर प्रॉफिट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया के 18 से 32 साल के यहूदियों को फ्री में इजराइल की सैर कराता है। इस ट्रिप के दौरान लोगों को यहूदी धर्म से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन कराए जाते हैं। इजराइल की राष्ट्रीय भाषा हिब्रू है, जबकि आधिकारिक भाषा के रूप में अरबी भाषा को भी मान्यता दी गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय में हिब्रू भाषा दुनिया से विलुप्त हो चुकी थी। इजराइल की स्थापना के बाद वहां के लोगों ने दिन रात एक एक करके इस भाषा को फिर से जीवित कर दिया और इसे इजराइल की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला। हिब्रू दुनिया का एकमात्र भाषा है जो विलुप्त होने के बाद फिर से अस्तित्व में आ गई। इजराइल के डाक विभाग में डेडिकेटेड गो डिपार्टमेंट भी है। इस डिपार्टमेंट को गॉड को लिखे गए हजारों पत्र हर साल प्राप्त होते हैं। बाद में इन सभी पत्र को वेस्टर्न वॉल के दरारों में डाल दिया जाता है। साल में 2 बार यहाँ से पत्रों की सफाई भी की जाती है और फिर सभी पत्रों को
ऑलिव्स पहाड़ियों के आसपास दफन कर दिया जाता है। यरूशलेम में स्थित होली सेपुल्चर चर्च की एक खिड़की के पास 18वीं सदी से ही एक लकड़ी की सीढ़ी मौजूद है। इस सीढ़ी की कोई रिलीजियस वैल्यू नहीं है, इसके बावजूद इसे अब तक नहीं हटाया गया है। इसके पीछे की वजह यह है कि इस चर्च के संचालन की जिम्मेदारी 6 अलग अलग चर्चों को मिली हुई है। इस सीढ़ी पर किसका हक है, इस बात पर किसी चर्च के बीच सहमति नहीं बन सकी, जिस वजह से ये सीढ़ी अपनी जगह से नहीं हटाई गई। इसराइल उपयोग किए जा चुके 90% पानी को रिसाइकल करके दोबारा उपयोग के लायक बनाता है। वाटर रिसाइकलिंग के मामले में ये देश पूरी दुनिया में टॉप पर है। इसराइल की गाय पूरी दुनिया में दक्षिण कोरिया के बाद सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है। इसराइल की एक कंपनी ने नैनो फाइबर से बना एक ऐसा स्प्रे विकसित किया है जो कि जख्म को काफी तेजी से भर सकता है। इस देश की एक और कंपनी ने एक ऐसा पेंट विकसित किया है जो सूरज की रोशनी मिलने पर ठंडक पैदा करता है। इस पेंट का इस्तेमाल कार और घर समेत किसी भी जगह पर किया जा सकता है। पेंट का इस्तेमाल जितना ज्यादा किया जाएगा ठंडक उतनी ज्यादा मिलेगी। ये टेक्नोलॉजी बिजली बचाने में कारगर साबित हो सकती है। वैसे इसराइल के लोग पहले ही बिजली बचाने में माहिर हैं। इसराइल के 85% घरों में पानी गर्म करने के लिए बिजली का उपयोग करने के बजाय रूफटॉप सोलर हीटर्स का उपयोग किया जाता है। इसराइल दुनिया का 8वां सबसे महंगा देश है। वहीं इसराइल का सबसे प्रमुख शहर है टेल एविव, दुनिया का 5वां सबसे महंगा शहर। इसराइल की एक कंपनी ने एक ऐसी कार विकसित की है जो कि फोल्डेबल है। संकीर्ण रास्तों पर इस कार के पहिए और बॉडी सिकुड़कर छोटे हो जाते हैं, वही सामान्य रास्तों पर ये फिर से नॉर्मल साइज में आ जाता है। यरूशलेम दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। यहूदी, क्रिश्चियन और इस्लाम तीनों धर्मों के बीच इस शहर की धार्मिक मान्यता है। यही वजह है कि सदियों से ये शहर विवाद का केंद्र भी रहा। इतिहास में अब इस शहर को 2 बार पूरी तरह से नष्ट किया जा चुका है। 23 बार इस शहर की घेराबंदी की गई, 52 बार इस शहर पर हमला किया गया और 44 बार इस शहर पर कब्जा किया गया। अनफॉर्चुनेटली इस गिनती के रुकने के आसार अभी भी नहीं दिख रहे। इसराइल के पास दुनिया का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे आयरन डोम कहा जाता है। आयरन डोम सिस्टम दुश्मन की 90% मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर देता है। यहूदी होने की वजह से 1952 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को इसराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर पेश किया गया, लेकिन उन्होंने राजनीति में दिलचस्पी न होने का हवाला देते हुए इस पद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसराइल के लोग अपनी सेहत के प्रति काफी जागरूक हैं। यही वजह है कि वहां की सरकार ने अंडरवेट मॉडल्स को इस देश में काम करने पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसराइल की स्थापना के बाद से ही इसराइल और अरब देशों के बीच दुश्मनी कायम है। अरब देशों ने मिलकर इसराइल पर कई बार हमले किए, लेकिन हर बार अरब देशों को इसराइल के हाथों हार झेलनी पड़ी। इसराइल और अरब देशों के बीच हुए युद्ध में सबसे प्रमुख 1967 में युद्ध हुआ था, जिसमें इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक और लेबनान की सेना को इसराइल ने मात्र 6 दिनों में ही मात दे दी। इस युद्ध को 6 डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। इसराइल के बारे में कौन सी बातें आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे भी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।